The broadcast is now starting. All attendees are in ऑनलाइन स्टूडेंट्स को listen-only आवाज आ mode. रही है? कल वाला क्वेश्चन निकाले जो क्वेश्चन नंबर 7 घर के लिए होमवर्क दिया था, रिकॉर्डली बता दिया करें अगर आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ऑनलाइन स्टूडेंट्स खास तौर पर। जी बेटा, कल जहां तक वर्किंग की थी ये तो समझ आ गई थी कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक की थी, और देन आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि आप लोग द्वारा इसे कंप्लीट कर लें। तो अगर कर भी लिया है, नहीं किया तो मेरी बात एक छोटी सी सुन लें जरा। रह बेटा ये गया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में से अभी आपने स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करना था। और इसकी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, सही है? ये जरा आतिफ साहब को एक मिनट बुलाइए। जस्ट एक मिनट। नीचे चलेंगे। चले चले गए सब। ठीक ये एक मैसेज आया है, ओके करना, अलग सिस्टम में सेव हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। वो प्रशेष साहब को बता दीजिएगा ना। जी बेटा, बात ये हो रही थी कि हमें क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए थी। चलिए काइंडली सीरियस प्लीज। तो इसके बेटा हम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये था पॉइंट नंबर 2 में कि फाइफो यूज करना, ठीक है ना सर जी? फाइफो यूज करना। अब फाइफो अगर यूज करना तो मैंने इसका एक पैटर्न आपको बताया था कि फिगर्स लिख के इस तरह सॉल्व करना। प्रॉब्लम ये था कि प्रोडक्शन का डाटा नहीं है लेकिन सोल्ड का था, ओपनिंग था, सोल्ड था और क्लोजिंग था। क्लोजिंग यूनिट्स कितने दिए हुए थे? 840। तो किसी ने निकाले हैं वैसे प्रोडक्शन? अच्छा, आप लोगों ने ना मे बी प्लस माइनस करके वगैरह वर्किंग की हो सकता है किसे ना हुई हो। मेरी एक सजेशन एक आसान सी ये होगी, जरा स्क्रीन देखिएगा।
बेटा फिनिश गुड्स जो है ये हमारा एक एसेट है, सही है। तो अगर मैं एक फिनिश गुड्स का लेजर सोचूं यूनिट्स के एंगल से, तो जरा प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो। लाइक फॉर एग्जांपल ओपनिंग यूनिट्स अगर हैं तो ये ब्रॉड डाउन होंगे, ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस हमारा एसेट है। क्लोजिंग यूनिट्स किधर होंगे? अच्छा जी, क्लोजिंग यूनिट्स लेजर में कहाँ होंगे सर? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। अब सोल्ड यूनिट्स हैं, यूनिट सेल होने से हमारा स्टॉक कम हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर भी ये यूनिट्स के एंगल से अगर मैं सोचूं तो यूनिट सोल्ड जो है ये क्रेडिट साइड पे आने चाहिए, यूनिट्स बेचने से स्टॉक कम हो गया। तो अब इसको बैलेंस करके यहां से फिर क्या निकाला जा सकता है? यूनिट्स परचेज नहीं, अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो यूनिट्स परचेज भी आ सकता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो यहाँ से यूनिट्स प्रोड्यूस निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस लेजर की बेस पे आप करेंगे तो शायद प्लस माइनस की कंपैरेटिवली गलती जरा कम ही होगी, और इन चार चीजों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो शायद कोई भी एक मिसिंग फिगर अगर निकालनी पड़ जाए तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी और तरीके से वर्किंग की वो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह लेजर भी बना लें तो मेरे ख्याल आसानी है, जरा बनाए वो बच्चों ने। बस बहरहाल बात समझ आ गई है सबको? जी सर जी, वो आपकी चॉइस है, मैथमेटिकली एक्स रखना है, इक्वेशन बनानी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अकाउंटेंट्स को सबसे ज्यादा ग्रिप होनी है लेजर्स वगैरह पे। तो लेजर्स को अगर आप देखेंगे, लेजर की बेस पे अगर देखेंगे तो शायद प्लस माइनस करने में गलती नहीं होगी। बहरहाल अब सबको क्लियर हो गया 8000 यूनिट्स कैसे बने? स्टिल कन्फ्यूज है तो बता दें। देन बेटा फाइनली जरा लास्ट स्टेप बता दें, अब ये जो 840 यूनिट्स बचे हैं ये कहाँ से बचे हैं? क्या ओपनिंग बिक गया होगा सर? तो 6138000 डिवाइडेड बाय 8000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 840 इज इक्वल टू, अब डेट वैसे उसने मांगा था, वो जरा रेट भी बता ही दें, इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट रेट भी कैलकुलेट हो रहा था, 7.25 और मल्टीप्लाइड बाय 840 कर किया जाए 6444 90 को यूज करके फिर आप बहरहाल घर से देने का घर देने का ये क्वेश्चन मेरा मकसद यही था कि आप लोग प्लीज सोचें खुद से। आई होप कि आपने कम से कम ट्राई जरूर किया होगा। कंप्लीट कर लें, वर्किंग अगर लिख रहे हैं तो लिख लें। जी सर जी, आप वैसे आगे आ जाए, जगह है मेरा। बस तो ये फ्रंट लाइन में भी जगह है, आ जाए इधर से। पर यूनिट कॉस्ट ये 767.625 यूनिट कॉस्ट सिंपली मींस पर यूनिट कॉस्ट, मेरे ख्याल मैं लिखवाया था कल, तो 767.25 मैंने इसलिए कैलकुलेट किया। जी, ये जो यूनिट्स कंप्लीट होने की बात हो रही है, 8000 यूनिट्स इस साल कंप्लीट हुए हैं, तो उनकी बेस पे पर यूनिट कॉस्ट बनती है 767.25। क्या प्रोडक्शन फिनिश गुड्स की होती है? फिनिश गुड्स ही बनाई जाती है ना, लेकिन हो सकता है समटाइम कुछ गुड्स अभी बनी ना हो, लेकिन उनको फिर हम फिनिश गुड्स तो नहीं कहेंगे, वो तो वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। जी क्लियर है जी, जहां तक फाइनली मेरे कॉस्ट ऑफ सेल लिखवा दीजिएगा। सब लोग लिखवा दें, सबने किया होगा यार। 5722305।
देन सेकंड रिक्वायरमेंट तो शायद बीच में डिस्कस हो गई है, थर्ड रिक्वायरमेंट में बात करें ग्रॉस प्रॉफिट। और हमने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट तक पहुंचना, तो पहले मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करवा दें पर यूनिट, पर मैं कैलकुलेट करता हूं आपके सामने। सबसे पहले सेल्स, कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा, एक मिनट, सेल्स की अमाउंट बेटा हमेशा बननी चाहिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट। 111 7 44 00 ढूंढने, जरा डाटा ढूंढने प्लीज। सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ था क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, लेस क्या करूं अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की, बेटा क्योंकि वर्किंग ऑलरेडी हो चुकी है तो वी शुड नॉट वेस्ट दोबारा फिर हम वर्किंग का। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आई थी 5722305 और डिफरेंस आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 5 5 5 2 0 9 5। यहां तक इकट्ठे हो रहे हैं, फिर पर यूनिट की वर्किंग करता जी। हसीब साकिब एंड जोएब जरा दो मिनट, जरा आप लोग भी शायद ठीक करें, एक से ज्यादा वेज पॉसिबल है। जस्ट मैं एक मिनट जरा पहले बता दूं, आप अपना फिर आंसर मैच कर लीजिएगा अगर आपने किसी और तरीके से वर्किंग की होगी तो। एक मिनट जरा, जी बेटा ग्रॉस प्रॉफिट तक क्लियर है जी। देन बेटा अगर पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो आपसे पहले एक जरा क्वेश्चन मेरा है, शायद बात इतनी मुश्किल भी नहीं है। फर्स्ट लाइन पे जाए जरा, ये फर्स्ट लाइन मीन्स जो सेल लिखी हुई है, नहीं नहीं आपके सामने जो फर्स्ट लाइन 11.1744 मिलियन जो फिगर है, ये 7760 यूनिट्स को बेच के सेल की अमाउंट आई है। सिमिलरली नीचे वर्ड्स लिखे हुए कॉस्ट ऑफ सेल, क्या मैं कह सकता हूँ ये कॉस्ट ऑफ सेल भी 7760 यूनिट्स की कॉस्ट है? तो देयरफॉर कितने यूनिट्स बेच के ये प्रॉफिट हुआ? कंसंट्रेशन से जरा सोचें, क्या यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने से प्रॉफिट होता है या सेल करने से? लेकिन बहरहाल इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेंगे, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर आपने यूनिट्स बना तो लिए लेकिन बेचे नहीं है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो आ जाएगी लेकिन अभी सेल की अमाउंट और प्रॉफिट की अमाउंट नहीं होगी। तो यकीनन बनाने तो पड़ते हैं लेकिन असल में प्रॉफिट होगा चीजों को बना के बेच लेने से। तो दिस प्रॉफिट इज ऑफ 7760 यूनिट्स, सही है क्लियर? तो देयरफॉर अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एक फॉर्मूला बन सकता। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। यकीनन एक काम ये भी हो सकता है, सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 7760 करके कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट निकाल सकते हैं और वहां से भी ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आ सकता है। तो डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ ने जुहेब या हसीब जो बात कर रहे थे वो भी बेटा वे पॉसिबल है, और ये भी हो सकता है कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे इधर आंसर अगर बता दें 0.59। रेट के बारे में कल हमारा एक डिसीजन प्लीज हुआ था कि जब भी कभी रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉइंट्स में जाएं लेकिन मैक्सिमम दो डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ कर लें, तो आई थिंक 59 ही बनता शायद। अब फाइनली कंफ्यूजन अगर आ गई है
चलें जी फिर आगे चला। चलो बेटे कल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा था, लेकिन वो तो अब सिंपल क्वेश्चन है, उनकी बजाय आज हमारे पास जरा घंटा का भी है, तो हम जरा एक और फुली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप जरा क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढिएगा जरा, ये पेज नंबर 11 पे है, बीच में ये आपको कहीं पीरियोडिक परपेचुअल लिखा नजर आ रहा होगा, तो ये भी इंशाल्लाह बीच में रिवाइज करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मिस्टर उमेर वड़ाइच के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी रिक्वायरमेंट सुनिएगा, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे इसकी रिक्वायरमेंट होना है। दो चीजें बनानी है, क्या क्या बनाना है? अच्छा, वर्ड्स में जो लिखे हैं क्वेश्चन में वही वर्ड्स अंडरलाइन करें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कह रहा है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहा है। कभी कभी एग्जामिनर ये पुराने वर्ड्स भी यूज करता है, तो आप नीचे एक नोट पढ़ें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब आपने क्या बनाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ही बनानी है आपने, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो मांगे तो आपने क्या बनाना है, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। लेकिन इन वर्ड्स को भी जरा याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जेहन में रख के पिछले पेज पे वापस आ जाए। मिस्टर उमेर वड़ाइच इज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल्स, ही हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स का कुछ डाटा दिया हुआ है, यूनिट्स भी बताए हुए रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के, और फिर टोटल कॉस्ट है, लेकिन डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप है। फिर फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, शिपमेंट 1, 2 एंड 3, तीन दफा रॉ मटेरियल खरीदा लग रहा है, शिपमेंट समझ जाएंगे, तीन दफा गुड्स रिसीव हुई, शिप हुई हमें, ट्रांसपोर्टेशन। डेट ऑफ परचेज दी हुई 13 जनवरी, 19 जून एंड 23 अक्टूबर, थोड़ा सा बीच में वर्ड्स मिसिंग है, जनवरी जून एंड अक्टूबर। फिर क्वांटिटी दी हुई है 5, 10, 12, पर यूनिट प्राइस दी हुई है, लेफ्ट साइड पे जरा इसके लिस्ट पढ़ें, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्राइस मींस इनवाइस प्राइस, पहले तो ये ब्रैकेट में पढ़ना था। अब इनवाइस प्राइस क्या होती है? जो परचेज कर रहा है उसके लिए परचेज प्राइस, और जो सेल कर रहा है उसके लिए सेल प्राइस, और इनवाइस का मतलब है वो जो पेज साइज देता है, सेलर जब चीजें बेचता है तो एक सफा देता है, रसीद टाइप, That is called as invoice. Seller उस invoice price को sale price कहेगा, और buyer क्या उसी price को purchase price कहेगा? सोच लें जरा, अगर आपने एक 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा तो आप उस 20,000 रुपए को क्या कहेंगे? और जो बेच रहा होगा वो उसकी सेल प्राइस है। तो invoice price simply means sale price of seller and purchase price of the buyer। क्या हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, और सर जी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं, तो लिस्ट प्राइस मींस परचेज प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट जरा ध्यान में लाएं थोड़ा सा, इसका क्या होता है? क्या ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस में से लेस कर देंगे, से लेस करेंगे, ऐड करेंगे? मैं अभी ये डिस्काउंट्स डिटेल में डिस्कस करता हूँ, आपके ध्यान में फिर वही आ गया जो नहीं आना चाहिए। दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होती है और एक सेटलमेंट डिस्काउंट होती है। मेरा ख्याल है कि शायद मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं करता हूँ, आगे चलें जरा। ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, ये इनवर्ड्स होगी आउटवर्ड्स होगी? तो ये ऐड हो जाएगी परचेज कॉस्ट में। रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस सर जी, रिफंडेबल टैक्सेस लेस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और सर जी नॉन रिफंडेबल होते ऐड हो जाते, और अगर रिफंडेबल है तो ये सेपरेट एसेट है, ये इग्नोर हो जाएंगे। रिफंडेबल का मीनिंग क्या है? तो पैसे अगर वापस आने आपका एसेट है, नॉन रिफंडेबल दिए वापस नहीं आने फिर वो आपका एक्सपेंस है। तो नॉन रिफंडेबल होते हैं तो ऐड हो जाएंगे, और अगर रिफंडेबल हैं तो आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स में आना चाहिए, आएंगी ये फिगर, आएगी ये फिगर, और हम इसे इग्नोर करेंगे अपनी वर्किंग में। लेस क्यों करेंगे? क्योंकि रिफंडेबल है सर जी, रिफंडेबल है, एसेट बनाएंगे।
रिफंडेबल एसेट बनेगा यार, तो क्वेश्चन में इसे इग्नोर करेंगे लेकिन लेस कर देंगे। नहीं बेटा सबको क्लियर है, प्लीज इग्नोर करेंगे। इग्नोर का मतलब हम कुछ नहीं करें, बैलेंस शीट अगर बनानी होगी तो एसेट्स में लिखेंगे, करंट एसेट्स में चला। कस्टम ड्यूटी का क्या करेंगे? ये कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन ना हो तो ये हमेशा फिर नॉन रिफंडेबल ही होती है, ये भी ध्यान में रखें। लेकिन अगर वो कहे रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी तो उसे फिर लेस कर देंगे। बेटा इग्नोर करेंगे, इग्नोर का मतलब क्या है? कंसिडर नहीं करेंगे। लेस का मतलब क्या है? लेस का मतलब फिर वो हो जाएगा यार जो नहीं होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर लें सर, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिफंडेबल टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे। इट मींस हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि टोटल परचेज कॉस्ट बने, और हमें शायद तीन वर्किंग्स करनी पड़े। शिपमेंट वन टू और थ्री का डाटा अलग अलग गिवन है। तो ये किस चीज की इंफॉर्मेशन थी? कि रॉ मटेरियल कुछ खरीदा है तीन डिफरेंट डेट्स पे। देन नंबर थ्री, इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन। मैंने आपके सामने शायद कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री की एक डायग्राम सी बनाई थी, तो एग्जैक्टली अगर वो ड्राइंग अब वो डायग्राम जेन में रखें तो कहां से कहां गया ये रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला गया। तो ये इश्यू जो बेटा वर्ड होता है, इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन, इसको फिर हम कंज्यूम भी कह सकते हैं। सोच के जरा, कह सकता हूं कंज्यूम। अब इसने कंज्यूम होना, एक होता है परचेज जो हुआ, परचेज होकर आपके स्टोर रूम में आएगा, उसमें से जैसे जैसे इश्यू होता जाएगा प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में, वो रॉ मटेरियल फिर कंज्यूम होगा। क्लियर है? तो इश्यूड के साथ लिख लीजिएगा वर्ड, जरा कंजम्पशन के एंगल से वर्ड यूज होता है। लेकिन अब इसकी आपको कोई अमाउंट नहीं गिवन है, नीचे पढ़ेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ रही है और कुछ डेट्स आ रही है। यहां तक मैं एक मिनट रुक जाता हूं, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। डिस्काउंट्स को मैं वैसे एक्सप्लेन अभी और करूंगा। अभी सब क्लियर है यहां तक? नंबर फोर पढ़े जी, एक लिस्ट बनी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जोन में जरा रख के पढ़ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहाँ आएगी? इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है हमने सवाल में, तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटीरियल, ये फैक्ट्री वर्क्स का पार्ट है। नंबर फाइव, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, ऊपर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आ रही थी कहीं 10,000 ढूंढे। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर आर 80 यूनिट्स, ये क्या चीज है? प्रोडक्शन। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 55 यूनिट्स, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। जी, इस पे इसके भी मैं वर्किंग अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन एक और चीज भी जैन मैंने आपको ये बताया बातें, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज द क्लेम ऑफ 18,000। क्लेम मिल गया है या रिसीवेबल हो गया? पढ़े पढ़े पढ़े, ध्यान से वर्ड्स पढ़े। कैश मिल गया है या एक्नॉलेज होने का मतलब रिसीवेबल हो गया? एक्नॉलेज हो गया है, मिला भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम इसकी डबल एंट्री करेंगे शायद, क्योंकि रिसीवेबल अब ये हो गया है। किसने मान लिया कि वो हमें पैसे देगा? इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट सर जी सबको क्लियर है? आप अगर अपनी गुड्स की इंश्योरेंस करवाएं और बाद में आपकी गुड्स का अगर कोई लॉस हो जाए, तो जो लॉस की अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से फिर रिकवर होती है। ये कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? लेकिन जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं उस वक्त को पैसे भी देते हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है। लेकिन जो आपको इंश्योरेंस की वजह से लॉस के अगेंस्ट पैसे मिल जाएं, वो फिर आपकी रिकवरी ऑफ इंश्योरेंस जो है वो वहां पे उसके अगेंस्ट आपका कैश डेबिट होना। ठीक है, तो एंट्रीज मैं भी करवाता हूँ इसकी। नंबर नाइन पे जाए, वो कहते हैं रॉ मटेरियल के लिए आपने वेटेड एवरेज यूज करना। इसकी क्या जरूरत पड़ी है? अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। और वेटेड एवरेज के साथ जरा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? फिर परपेचुअल यूज करना है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अगर यूज करना हो तो आई होप के कुछ जेन में आ जाएगा, एक टेबल बनता है शायद। और वेटेड एवरेज से अगर वर्किंग करनी हो तो शायद हर परचेज और परचेज रिटर्न के बाद को रेट्स भी चेंज होते हैं सर, तो ये भी प्लीज चीजें रिवाइज करनी है कुछ जेन में। परपेचुअल
टेबल के कुछ कॉलम्स ही बोल दें जरा तरतीब से, कॉलम्स के नाम, डेट, सबसे पहले तो डेट आएगी, फिर परचेज क्वांटिटी शायद, फिर सेल क्वांटिटी अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो, हिम्मत करें अभी ये चीजें कोशिश किया करें, परचेज सेल अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन अगर ये रॉ मटेरियल होगा तो सेल की जगह इश्यूएंस शायद, रॉ मटेरियल इश्यू होना है, और फिर एक बैलेंस का कॉलम होता था। सर जी ये कहीं इंट्रो की क्लास तो नहीं है, इंट्रो की भी नहीं है, लास्ट पॉइंट मैं याद कराता हूँ सर, मुझे मुझे आइडिया है कि मुझे बताना आपको। फिनिश गुड्स के लिए क्या यूज करना है सर, फाइफो, और एक सेकंड अगर ब्रैकेट में कुछ ना लिखा हो तो बताएं, फाइफो मेथड अगर लिखा हुआ है पीरियोडिक यूज करेंगे या परपेचुअल यूज करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये क्या होता है मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ आपको, लेकिन अगर मेंशन ना हो तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ही यूज करते हैं, परपेचुअल कब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो कि यूज करना है। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या है, प्लीज क्या है, रॉ मटेरियल के लिए क्या करना है, वेटेड एवरेज, परपेचुअल मेथड और वेटेड एवरेज यूज करना है, और फिनिश गुड्स के लिए फाइफो, और कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्रैकेट पढ़े जरा, देयरफॉर फिर हम जरा पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। करना हमने क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, लेकिन उसमें ये दो एक दो नई चीजें बिठा गई हैं। सबसे पहले रजिस्टर खोलें जरा, इन एक दो चीजों को पहले एक्सप्लेन करना जरा। सबसे पहले एक मिनट जरा लॉस ऑफ गुड्स की एंट्रीज रिवाइज करें, लिखें हेडिंग जरा लॉस ऑफ गुड्स, पहले जरा ट्रेडिंग रिवाइज कर लें और फिर मैं ट्रेडिंग से जरा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आता हूं। प्लीज सर, सर मैं इधर हूं, सर जी मैं इधर हूँ, अच्छा आगे जी मैं डियर, अगर गुड्स का लॉस हो जाए तो प्लीज रे एंट्री बताएं यार, लॉस डेबिट, दो तरीके बेटा होते हैं, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सर जी हिम्मत करनी, ऐसे नहीं करना, तो अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है तो लॉस डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट, और अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो लॉस डेबिट इन्वेंटरी या स्टॉक क्रेडिट। जितनी हमें अब जरूरत है मैं उसी डिटेल में जाऊंगा, उससे ज्यादा डिटेल में जिसकी अब हमें जरूरत नहीं उसमें भी नहीं जा रहा, उस पर भी नहीं जा रहा। इसमें अब डेफिनेटली कुछ एबनॉर्मल लॉस वर्ड्स भी पढ़े हुए हैं आपने और नॉर्मल लॉस भी पड़ा हुआ है। लॉस बाय फायर अगर हो तो नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस उस लॉस को कहते हैं जो एक्सपेक्टेड हो, होना ही है, लेकिन अगर एक लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है और हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री में कोई फ्लड से चीजें खराब हो जाएं तो क्या ये लॉस एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, बाय फ्लड, बाय फायर, बाय थेफ्ट अगर चीजें खराब हो जाएं तो बेटा ये नॉर्मल लॉसेज हैं, लेकिन उसकी फिलहाल हमें डिटेल की जरूरत नहीं है। कोई भी लॉस हो जाए, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन का इशू होता है, कोई भी लॉस हो जाए, व्हाट इज द डबल एंट्री, लॉस डेबिट, सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है या परपेचुअल। पीरियोडिक अगर है तो परचेजेस का लेजर क्रेडिट होगा, और अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो इन्वेंट्री का लेजर क्रेडिट होगा। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि पीरियोडिक है या परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो व्हाट इज आवर एंट्री ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्ट, लॉस डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट, बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक है अनलेस हमें पता चल जाए कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज हो रहा है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अब लेट्स अस्यूम बेटा इसकी अमाउंट है 1 लाख, एक अमाउंट लिखना, मतलब मैं दोनों एंगल से साथ साथ चला रहा हूँ। लेट्स अस्यूम अगर 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट परचेजेस और इन्वेंटरी क्रेडिट। अब लेट्स अस्यूम अगर इन गुड्स की इंश्योरेंस हुई भी थी
और इंश्योरेंस कंपनी ने ये लॉस, इस लॉस के अगेंस्ट क्लेम एक्नॉलेज कर लिया है. और लेट्स टेक इट अ फर्स्ट सिनेरियो कि इस लाख रुपए के लॉस के अगेंस्ट हमें पूरा लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है, तो उसकी एंट्री बताएं फिर क्या होगी. अगर बेटा कैश मिल गया है तो कैश डेबिट, और अगर अभी कैश मिलना है तो रिसीवेबल डेबिट. क्रेडिट बताएं क्या होगा, पता है आपको सर ये चीजें ना करें. अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह में ये बहुत सी एंट्रीज आती रही, आप लोगों ने की होंगी पहले, नहीं भी की हो तो सोचें. क्या अगर मैं कहूं कि मुझे पूरा लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है तो क्या हमारा लॉस फिर खत्म नहीं हो गया? तो इसका बेटा कोई एसेट अलहदा अदर इनकम बनाना या इंश्योरेंस क्लेम इनकम बनाने की बजाय क्या इस क्लेम के मिलने से हमारा लॉस खत्म नहीं हो गया? तो सिंपली क्या क्रेडिट हो जाएगा, लॉस क्रेडिट हो जाएगा. और अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम भी है तब भी शायद ये एंट्री इधर होगी, कैश रिसीवेबल डेबिट. मैं जरा एक दो डिफरेंट वेरिएशन से बात कंप्लीट कर लूं अपनी, फिर अगर कोई आपका सवाल रहेगा तो प्लीज मुझे बताइएगा. इन एंट्रीज को देख के जरा इनकम स्टेटमेंट जहन में बनाएं, इनकम स्टेटमेंट जहन में बनाएं. क्या अगर लॉस 1 लाख से डेबिट हुआ और फिर 1 लाख से क्रेडिट भी हो गया तो आप कोई नेट लॉस हमें अपने एक्सपेंसेस में नजर आएगा? भी जीरो हो गए, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट, तो नेट फिर अब इनकम स्टेटमेंट में जीरो लॉस आएगा. लेकिन सपोज बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 100% पैसे नहीं दिए, उसने हमारा लॉस एक्नॉलेज तो किया लेकिन सपोज उसने सिर्फ हमें 80% पैसे दिए, तो फिर डेफिनेटली ये एंट्री 80,000 करेंगे, सही है? तो इन दैट केस क्या फिर कोई नेट लॉस इनकम स्टेटमेंट में आएगा? अच्छा एक चीज जरा मिक्सअप हो जाती है, जरा गौर से ये दो मेरी एंट्रीज लेफ्ट साइड पे जो मैंने लिखी हैं इनको जरा देख के बताएं, क्या गुड्स अभी भी 1 लाख से कम हुई है? क्या गुड्स 1 लाख से ही कम हुई है? क्या लॉस 20 रह गया या गुड्स ही 20 से कम हुई है? गुड्स 1 लाख से कम हुई थी लेकिन 80,000 रुपीज मिल जाने की वजह से या मिल जाएंगे जिसकी वजह से हमारा लॉस 20 रह गए. 1 लाख रुपीज की गुड्स लॉस्ट हुई लेकिन 80,000 रिकवर होने की वजह से लॉस 20 इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगा. सबको क्लियर है प्लीज? और अगर परपेचुअल में हो तब भी ये 80,000 से इससे एंट्री हो जाएगी. इन अदर वर्ड्स चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, आपके लॉस की अमाउंट से क्लेम की अमाउंट नेट ऑफ हो जाएगी और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो फिर आपकी इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो जाएगी. एक आखिरी पॉसिबिलिटी एबनॉर्मेलिटी ये भी हो सकती है कि अगर आपको ज्यादा पैसे मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का क्लेम है, 1 लाख का लॉस है और 105 मिल जाए, तो वो बाकी जो मिलेंगे वो फिर क्या होगा? वो फिर अदर इनकम आएगी डेफिनेटली. लेकिन अगर आपको अप टू द लॉस अमाउंट मिली है तो फिर नेट लॉस जीरो हो गया, और अगर लॉस से कम अमाउंट मिली है तो नेट लॉस पर इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट होगा. अब आप मेरा ख्याल है किस दोनों एंगल से अगर आप पहले लिख ली थी दूसरी एंट्री तो आप सब लिखना जितना भी मिले उस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी. जी अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में है तो बताएं, तो मेरी बात समझ ना आई हो, आपने किसी और तरीके से कोई पढ़ा हो, ये है कोई कन्फ्यूजन? सर जी स्नो का मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आया या समझ आ गया है? चलो फिर आगे. अब इसी भी डिस्कशन को जरा ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से.
और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पहले जरा फिनिश कोर्स के एंगल से जी सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर हो, फिनिश गुड्स की बहस हो रही हो और कोई फिनिश गुड्स आपकी लॉस हो जाए, हेल्प करें ट्रेडिंग बिजनेस की जगह मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम हो जाए, बताएं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में प्लीज जरूर बताइएगा आपको पता है क्या चेंज आएगा उस एंट्री में जो ऊपर ट्रेडिंग बिजनेस में हुई थी, क्या लॉस डेबिट होगा सर, लॉस ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट, और इसके अगेंस्ट फिर क्रेडिट क्या होना चाहिए, परचेजेस क्रेडिट होंगी या परचेजेस की जगह वर्ड बदल जाएगा, नहीं परचेजेस की अमाउंट क्रेडिट होगी या परचेजेस की अमाउंट की जगह कोई और अमाउंट क्रेडिट होगी, प्रोडक्शन क्रेडिट होनी है ठीक है वो तो, लेकिन प्रोडक्शन के यूनिट्स के क्रेडिट तो नहीं होना, सिर्फ प्रोडक्शन के यूनिट्स भी कम होने हैं, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्रेडिट करेंगे या परचेजेस क्रेडिट करेंगे, लिखें जी लिखें, समझ आ गया प्लीज सबको, परचेजेस का वर्ड फिर किससे बदल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, इट मीन्स सिंपली वैसे तो अभी वर्किंग में करता हूं, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आ जाती है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर, लास्ट फिगर, तो लेट्स अज्यूम 1000 यूनिट्स बने हो, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, उसमें से पता चले कि सपोज 20 यूनिट्स लॉस हो गए, तो हम पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट्स कर लेंगे और उसकी अमाउंट आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर इस एंट्री को पोस्ट कैसे कर लेंगे ये भी सुने गौर से, लेट्स इग्नोर द इंश्योरेंस क्लेम एक सेकंड, अब ये लॉस अगर डेबिट किया ये बेटा इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की डिटेल में आ जाएगा, और इसका फिर सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा, क्रेडिट हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से माइनस करके सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की लिस्ट में लॉस को डेबिट कर लेंगे, क्लियर है प्लीज, लेकिन अगर परपेचुअल बाद में आ जाता हूं, अगर इसका भी कोई इंश्योरेंस क्लेम हो जाए तो बताएं एंट्री क्या होगी, करने सर ये रिपीट हो रहा है, अगर इसका कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए या एक्नॉलेज हो जाए तो क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश और रिसीवेबल डेबिट और लॉस क्रेडिट, अगर सारा मिल गया तो सब सारी अमाउंट से लेट्स अज्यूम 75,000 मिला, तो अगर 75,000 का क्लेम मिला है, सारा क्लेम हमारा एक्नॉलेज नहीं हो सका, तो नेट करके 25,000 की अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में लॉस के अगेंस्ट रह जाएगी, परपेचुअल वाली एंट्री जरा आप करें, जरा सोचें आपको पता है कि क्या चेंज आएगा, करके देखें, मुजफ्फर नेट खुद ही हो जाएगा यार, लॉस डेबिट हो रहा है और लॉस क्रेडिट भी हो रहा है, नेट खुद ही कर लेंगे, उसकी कोई दोबारा एंट्री करने की जरूरत तो नहीं है, जी फ्रेंड्स क्या हुआ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले, जी सर एक्सपेंसेस सर, लेकिन इसमें से जो चीजें बच गई वो एसेट है, इनकम स्टेटमेंट में फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, लेट्स अज्यूम 1,000,000 की गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस था, लेकिन बेटा अगर इसमें से 2,00,000 की गुड्स बच जाएं, तो वो 2,00,000 एसेट है, और जो बैलेंसिंग 1,000,000 माइनस 2,00,000 8,00,000 रह जाएगा, वो फिर कॉस्ट ऑफ सेल वाला के नाम से एक्सपेंस है, एक्सपेंसिस है ना सारे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बन कैसे रही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का एक्सपेंस, आगे लेबर एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्सपेंस, फिर हमने और प्लस माइनस कर लिया वर्क इन प्रोसेस, ताकि फाइनली टोटल एक्सपेंस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए, तो ये एक्सपेंसेस सारे ऐड हुए हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ गुड्स बच गई हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग बैलेंस शीट में एसेट्स में आएंगी, जब वो सेल होंगी तो फिर उनकी अमाउंट भी कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगी, क्लियर है प्लीज,
परपेचुअल में सर जी क्या होगा, लॉस की डेबिट होके क्या क्रेडिट होगा? नहीं बेटा, इन्वेंट्री के नाम से लेजर बनेगा, लेकिन अब किसकी इन्वेंट्री का लेजर? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री है ना लेजर, लेकिन किसकी इन्वेंट्री का लेजर? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का लेजर। और क्लेम की एंट्री है जो पहले की हमने, बारह लगे जी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मुझे आपके वैसे रिस्पॉन्सेस से महसूस हो रहा है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को खास याद नहीं है, तो कुछ तो इंशाल्लाह आज रिवाइज हो जाएगा जब रॉ मटेरियल की मैं वर्किंग करता हूँ, और कुछ अभी नेक्स्ट टू थ्री डेज में, नेक्स्ट वीक में भी कुछ बहस हो जाएगी। लेकिन बेटा डेफिनेटली हमें जितनी जरूरत है मैं अब उसी डिटेल में जाऊंगा। वैसे पढ़ा है कभी ये लफ्ज? वो इतना तो मान लो यार कि परपेचुअल वर्ड सुना है, बस वर्ड सुना मैंने यार, बाकी अल्लाह मालिक, बाकी अल्लाह मालिक। इसमें पूरा एक टेबल बनेगा डेट वाइज, वो सारा इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मैक्सिमम रिवाइज हो जाए। जी जी जी, नोट कर लिया एंट्री सबने? देन बड़ा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा ख्याल एक डिस्काउंट्स का इशू रिजॉल्व करें यार, बीच में एक डिस्काउंट्स आई थी। अच्छा, डिस्काउंट्स ना आपके नोट्स में एक पेज बना हुआ है, जरा थोड़ा सा उसी पेज से हेल्प ले लेते हैं। पेज नंबर 21 पे आइएगा। पेन हाथ में रख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं अगर साथ लिखूंगा तो उसको फिर आप नोट करते रहिएगा। इसी पेज पे चाहे लिख लीजिएगा, कंप्रिहेंसिव हो जाएगा, पेज के नीचे भी जगह है, इसी पेज को कंप्रिहेंसिव बना लेते हैं। 5 मिनट पहले आपने गौर से मेरी बातें ध्यान से सुननी है, फिर भी अगर कंफ्यूजन रह जाए तो इंशाल्लाह फिर आपके क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करता हूँ। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सभी डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी नाम बोले देख के? ट्रेड डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के साथ ब्रैकेट पढ़े, निगोशिएशन या बार्गेनिंग पे जो डिस्काउंट मिल जाए दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और ऑपोजिट साइड पे जाए जरा, जल्दी पैसे देने या जल्दी पैसे मिलने की वजह से अगर कोई डिस्काउंट दे दी जाए या मिल जाए दैट इज कॉल्ड एज सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब लेट्स अज्यूम विजुलाइज अ सिचुएशन, लेट्स अज्यूम बेटा आप कोई शर्ट परचेज करने गए हैं, कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज जरा, आप कोई शर्ट परचेज करने गए हैं और लेट्स अज्यूम जो शर्ट आपको पसंद आई है शॉप पे उसकी प्राइस 2500 है, ठीक है। अब जिस तरह हमारी नॉर्मल आदत है अगर 2500 का टैग लगा हुआ है तो हमारी पूरी कोशिश क्या होती है कि एक दो जीरो कम ही हो जाए। तो लेट्स अज्यूम आपने प्राइस कोट की कि मैं इसके 1200 दूंगा, अब शॉपकीपर भी हमारी तरह की है, लेट्स अज्यूम 15-20 मिनट बहस होती रही और फाइनली 1800 पे बात खत्म हो गई। अब फिलहाल लेट्स अज्यूम ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप लोग फिलहाल ज्यादातर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैश ट्रांजेक्शन से फेमिलियर है। आप मुझे ये बताएं आप अपनी परचेज की एंट्री कितने से करेंगे? 1200 से ना करें यार। क्या आप अपनी परचेज की एंट्री 2500 से करेंगे? नहीं बेटा। क्या सेलर अपनी सेल 2500 से रिकॉर्ड करेगा? सिंपली शायद वो एक पेज जरूर ऐसे बना रहा होगा कि सेल प्राइस इज 2500, लेकिन साथ ही वो क्या कर रहा होगा 700 ब्रैकेट में को लेस करके 1800 बना रहा होगा। क्या आप उसे 1800 कैश पकड़ा रहे होंगे? तो अगर ये कैश ट्रांजेक्शन है तो बेटा वो एंट्री कर रहा होगा कैश डेबिट सेल क्रेडिट 1800, और आप एज अ बायर के एंट्री कर रहे होंगे परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 1800। क्या ये जो ट्रेड डिस्काउंट है सेलर अपनी सेल में से और बायर अपनी परचेज में से नेट करके रिकॉर्ड कर रहा होगा? इनकम स्टेटमेंट बनाए जरा सेलर के एंगल से जेन में, क्या आपको ये जो 700 की डिस्काउंट है कहीं अलहदा से इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगी? ये कहां गई?
ये सेल को ही कैलकुलेट करते हुए लेस हो गई है। अब बायर के एंगल से इनकम स्टेटमेंट बनाए, क्या बायर जो अपनी परचेज रिकॉर्ड कर रहा होगा, लिख रहा होगा अपने कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में परचेज, तो क्या वो भी 1800 लिख रहा होगा? तो उसकी भी कहीं इनकम स्टेटमेंट में कहीं अलहदा कोई डिस्काउंट रिसीव्ड कवर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, परचेज ही नेट आ रही होगी। मेरी इस बात का सिंपली फिर मतलब ये हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में अलहदा रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सेलर अपनी सेल को नेट रिकॉर्ड करेगा और बायर अपनी परचेज को नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेगा। यहां तक जो मैंने बताया सबको क्लियर हो गया? Yes, सबको क्लियर हो गया सर? Yes, sir. कहां गई ट्रेड डिस्काउंट? सेलर सेल से लेस करेगा और बायर अपनी परचेज से लेस करेगा। लिखा मिल जाएगा आपको सारा, तो थोड़ा सा वैसे हम जरा पहले डिस्कस कर लें। अब मेरी इसी कैश ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल को जरा आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन के एंगल से जरा सोचें। लेट्स अज्यूम जब आपकी ये शेड की निगोशिएशन फाइनल हो गई, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी 1800 पे जो फाइनल हो गई, तो उसके बाद फिर सपोज आपने ये कहा कि मैं पेमेंट हफ्ते बाद करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल सेलर मान जाए तो क्या फिर सेलर की ये क्रेडिट सेल है? Yes, सर जी क्रेडिट सेल है सर। Yes, और आपकी क्रेडिट परचेज है। लेकिन लेट्स अज्यूम बेटा सेलर ने ये कहा कि ठीक है आप हफ्ते बाद पेमेंट कर दीजिएगा, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे विद इन 5 days पेमेंट कर देंगे 7 days की बजाय, तो मैं आपको फर्दर 100 rupees की डिस्काउंट दे दूंगा। तो क्या ये जो 100 एक्स्ट्रा हमें डिस्काउंट मिलेगी ये अर्ली पेमेंट पे डिपेंडेंट है? इसका डिसीजन कब होगा कि हमें डिस्काउंट मिलनी भी है या नहीं? जब कम से कम 5 दिन में हम पेमेंट करें, और अगर हम 5 दिन में नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलनी। क्या जो 700 rupees वाली डिस्काउंट है वो एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज फाइनल है? उसकी सेल हमारी परचेज, क्या ऑन द डेट ऑफ सेल 700 rupees की डिस्काउंट फाइनल है सर? लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बेटा 100 है ये फाइनल किस दिन नहीं है? जिस दिन चीजें सेल परचेज हो रही हैं, ये किस दिन फाइनल होगी? जब पेमेंट होगी और फिर डिसाइड होगा ये मिलनी भी है नहीं। अब आप आ जाए जिस डेट पे ये सेल परचेज हो रही है, बताएं सेलर क्या एंट्री करेगा? डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट कितने से? 2500 से, 1800 से, या फर्दर 100 माइनस करके 1700 से? 2500 से क्यों नहीं? नहीं 2500 से क्यों नहीं? 1700 से क्यों नहीं? 2500 अब वैसे ही रेलेवेंट नहीं है और 1700 अभी कंफर्म ही नहीं है। तो देयरफॉर वंस अगेन ये एंट्री होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एट रुपीज 1800, और परचेजर की एंट्री करेगा परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट एट रुपीज 1800। वंस अगेन इट मींस अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है तो इवन देन ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ही फाइनल होके लेस हो जाएगी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ये क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है और इसका डिसीजन देयरफॉर तब होगा जब कैश मिलेगा सेलर को या जब कैश पे करेगा बायर। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो या चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, सेलर विल डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड बायर विल डिडक्ट फ्रॉम परचेज। सबको क्लियर है सब जो मैंने सेंटेंस बोला? चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट अपीयर सेपरेटली इन द बुक्स, ये सेल और परचेज रिस्पेक्टिवली में से लेस कर देंगे। मेरी इस डिस्कशन के बाद एक और चीज बता दें, बाकी फिर मैं फर्दर एंट्रीज करवाता हूं। क्या कैश सेल पे और कैश परचेज पे भी कोई अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होगा? देखिए कैश सेल और कैश परचेज में हो ही क्या रहा है, जैसे चीजें सेल हो रही हैं साथ ही पैसे पकड़ लिए, और बायर के एंगल से सोचें जैसे उसने चीजें पकड़ी उसने पैसे पकड़ा दिए, तो देयर इज नो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कॉन्सेप्ट इन कैश ट्रांजैक्शंस। आप मुझे डिस्काउंट अलाउड की जरा एंट्री जेन में रिवाइज करके जरा याद करवाएं जरा। मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और देखिए उसमें लफ्ज ही डेटर आ रहा है, और अगर डिस्काउंट रिसीव की एंट्री बोले तो
क्रेडिट और डेबिट, ये क्रेडिट सेल से रिलेटेड वर्ड्स हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो अर्ली पेमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ किन ट्रांजेक्शन पे होता है, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे जब ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का फाइनल हो जाती है तब रिकॉर्ड की जाती है। लेट्स अज्यूम, वो जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, अगर विद इन 5 डेज बायर ने पेमेंट कर दी, विद इन 5 डेज बायर ने पेमेंट कर दी, तो अब वो 1800 नहीं दे रहा होगा, वो 1700 दे रहा होगा। तो कोई कोशिश कर सकते हैं कि सेलर उसकी क्या एंट्री कर रहा होगा? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से तसल्ली से। सेलर को कितने पैसे मिल रहे होंगे? कैश डेबिट 1700। एक मिनट, कैश डेबिट 1700, ओके। लेकिन उसका रिसीवेबल कितने से रिकॉर्ड हुआ था? तो डेटर रिसीवेबल क्रेडिट 1800 से करेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा 100 है कब रिकॉर्ड करेगा? जब विद इन टाइम उसे पैसे मिले होंगे। तो व्हाट इज द फाइनल डबल एंट्री? कैश डेबिट 1700, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100, और डेटर क्रेडिट बाय 1800। कोशिश करें, जहन में रिवर्स करें स्टोरी। बायर विल मेक द फॉलोइंग एंट्री, बताएं फॉलोइंग एंट्री क्या होगी? कैश क्रेडिट 1700, डिस्काउंट रिसीव डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट। लिख के करते हैं सर, लिख के करते हैं, पेज के नीचे जगह है ना बेटा। क्रेडिट कमाल है, सेल कब हो जाती है? जब पैसे मिलते हैं? नहीं, जब चीजें दे देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? सेल कब रिकॉर्ड करेंगे? जब सेल हो गई है। और कैश कब रिकॉर्ड करेंगे? जब पैसे मिलेंगे। तो क्या आसानी के लिए हम अकाउंटिंग ही भूल जाएं? आसानी के लिए हम सही अकाउंटिंग कर लें। तो चले, अब आपने जो बात की मैं जरा वो भी लिख दूंगा। पहली एंट्री मैंने क्या बताई थी ऊपर बेटा? सेलर विल मेक द फॉलोइंग एंट्रीज, हिम्मत करें जरा। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट कितने से? सर जी बता दें। 1800 मींस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सिमिलरली बायर विल आल्सो मेक अ नेट एंट्री ऑफ रुपीस 1800। किधर गई ट्रेड डिस्काउंट? नेट ऑफ हो गई। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपको डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव के नाम से नजर नहीं आती। जो आपको डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव नजर आती है वो अर्ली पेमेंट वाली डिस्काउंट है। और फाइनली अगर फॉर एग्जांपल विद इन 5 डेज पैसे मिले सेलर को, तो सेलर विल मेक द फॉलोइंग डबल एंट्री, कैश डेबिट 1700, डेटर रिसीवेबल क्रेडिट बाय रुपीज 1800, एंड 100 विल बी रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड। कब? ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, व्हेन द डिस्काउंट इज फाइनलाइज्ड। फर्ज करें अगर ये पैसे 5 दिन बाद मिले हैं, नहीं फिर क्या होगा? फिर पैसे मिले, फिर सेलर पैसे ले कितने रहा होगा? फिर वो 1700 ले ही नहीं रहा होगा। तो फिर वो 1800 की क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी डिस्काउंट अलाउड। और फाइनली जरा बायर के एंगल सब खुद से लिखा, जरा बायर की एंट्री। कैश क्रेडिट बाय 1700, लेकिन 1700 देने से लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 1800। तो 1700 दे के 1800 से लायबिलिटी कैसे कम हो गई? क्योंकि 100 इज रिसीव्ड एज अ डिस्काउंट, नहीं सर जी, डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन डिस्काउंट अलाउ कह रहा होगा? डिस्काउंट देने वाला। डिस्काउंट कौन दे रहा है? सेलर बायर को। तो सेलर का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और बायर की इनकम रिकॉर्ड होगी। बायर कम पैसे देके अपनी लायबिलिटी सेटल कर रहा है और सेलर कम पैसे लेके अपना एसेट सेटल, अपना रिसीवेबल सेटल कर रहा है। क्लियर है प्लीज? तो आई होप के शायद सब कुछ रिवाइज हो गया यार। बाकी अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाए, एक नजर ये पेज दोबारा घर जाके पढ़ लीजिएगा तो मेरी ये रिक्वेस्ट मान लेंगे सर। एक आखिरी दफा जरा बता दें, क्या
कैश ट्रांजैक्शंस पे भी अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होती है? क्यों नहीं होती है? कैश ट्रांजैक्शंस में पेमेंट हो कब जाती है? जैसे ही सेल परचेज होती बात खत्म हो गई। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ट्रेड डिस्काउंट हो सकती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ट्रेड डिस्काउंट भाईजान हो सकती है, निगोशिएशन तो बेटा वहां भी हो सकती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ अर्ली पेमेंट सेटलमेंट डिस्काउंट्स भी हो सकती हैं इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज ये पेज घर जाके पढ़ सकते हैं आप, पेज नंबर बता दें, पेज नंबर कौन सा है? छा गए। अब आज सवाल शुरू करिए, आधा घंटा रह गया। ओपन द रजिस्टर, फर्स्ट हेडिंग लिखें, जी मैडी ये सबसे पहले कह रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओनर का अगर नाम हो अवेलेबल तो लिखना चाहिए, मिस्टर मेयर बड़ाइच। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंड कोई बताया हुआ? नहीं, मेरे ख्याल कोई ईयर नहीं, शायद ईयर एंड बताया हुआ 31 दिसंबर। ठीक है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर। जी सर जी, सब कुछ अब रिवाइज करवा के फाइनल करना है। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट? रॉ मटेरियल। जी स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन डेफिनेटली हमें अमाउंट चाहिए। यूनिट्स क्यों गिवन है अभी याद करवाता हूं। जी सर, आगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। जी परचेजेस की इंफॉर्मेशन है कहीं? जी एक परचेज है या तीन परचेजेस है, और उनका भी सम शायद करना पड़ेगा, तो एक वर्किंग कर लें यार, वर्किंग वन बना लें, पूरा पेज छोड़ दें स्टेटमेंट के लिए। लेकिन डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज्यादा खुला कर रहे हैं तो मेरे ख्याल आपके लिए एक पेज काफी नहीं होगा, आप अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ें अपने, तो वर्किंग वन की तरफ आए। शिपमेंट वन इकट्ठा कर लें थोड़ा ढूंढ कर। एटलीस्ट ये फिगर्स जो इग्नोर करनी है या जो लिखनी है प्लस माइनस करके लिखिएगा प्लीज। जी 2500 माइनस कर दूं जी 200, सर जी कर दूं सर, प्लस बताएं प्लस, शिपमेंट वन एक करवा दें बाकी खुद कीजिएगा, प्लस 500 आगे माइनस भी तो होना था एक और यार, देख लें यार गलत ना करवा दीजिएगा, प्लस 50 इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, सही बताया बच्चा ने। ये बड़ा ठीक है, ये ना एक यूनिट की परचेज अभी आई है, ये जरा डाटा देखें किस तरह से दिया हुआ, ये पर यूनिट प्राइस दी हुई है और देयर फॉर मल्टीप्लाइड बाय 5 जेन में आ जाएगा, ये 5 यूनिट्स खरीदे हैं, ये प्लीज लुक एट द डाटा ऑफ द क्वेश्चन, ये पर यूनिट प्राइस है
और फिर आपको शिपमेंट्स की अकॉर्डिंगली क्वांटिटी भी बताई हुई है। क्लियर हो जाएगा सबको? पहले ये पर यूनिट आएगा और देन मल्टीप्लाइड बाय 5 करके क्या आंसर आएगा जी? 14250। एनी कंफ्यूजन? मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5 कोई सवाल? शिपमेंट 2 करें, जी ठीक है 3100 इंटू 10 होगा फिर 3000। एक सेकेंड, माइनस 300 प्लस 400, इसकी कस्टम ड्यूटी नहीं है मेरे ख्याल, इंटू 10 31000 4000 माइनस 400 प्लस 300 इंटू 12 यूनिट्स। ये डेटा मिल गया प्लीज सारा? 51600 टोटल कर लें 96850। जी वर्किंग वन लिख लिया जी सबने? नोट कर लिया सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया बेटा सबने? कोई लिख रहा है तो ठीक है, लेकिन बाकी आप फिगर उठाएं और लेके जाएं जहां जरूरत थी इसकी। कहां जाने जी इसने? 96850 जी। क्वेश्चन पढ़े बताएं आगे क्या करूं? क्लोजिंग स्टॉक जी, क्वेश्चन पूरा देख के बताएं। रॉ मटेरियल की बात हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक किस मेथड से निकालूं? नेक्स्ट पेज पे भी दो लाइनें याद रखें जरा, असल बहस उन्हीं की है वैसे। नहीं बेटा, सबसे पहले तो वेटेड एवरेज से और फिर परपेचुअल से। अच्छा इस तरह करें जरा, रुक के मेरे साथ जरा परपेचुअल और पीरियोडिक को और थोड़ा सा फाइनल करने की कोशिश करें। बोर्ड पे देखें जरा, स्क्रीन की तरफ देखें। लेट्स अज्यूम बेटा, अगर ये परपेचुअल का जिक्र ना होता तो ओपनिंग स्टॉक हमारे सामने है, पूरे पीरियड की परचेजेस भी सामने है। पीरियोडिक का यही मतलब होता है कि पूरा पीरियड गुजरने के बाद आप एक ही रेट निकाल लें। हम पिछले कई दिनों से निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, हम पीरियोडिक से कर रहे थे। तो पूरे साल बाद फॉर्मूला क्या है रेट का? अगर वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ले लें, परचेजेस की अमाउंट ले लें। अब रॉ मटेरियल है, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं, ये रॉ मटेरियल की परचेजेस है। फिनिश गुड्स की अगर पीरियोडिक से वर्किंग करनी होती, ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड परचेजेस की जगह से। यकीनन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है लेकिन बट आज वर्किंग रॉ मटेरियल की है, तो इसके लिए शायद वही फार्मूला होगा। वो फार्मूला मैंने आपसे कहा था फिनिश गुड्स के लिए, तो क्या इसके लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस ही होगा? और डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? जरा डेटा देखें, ओपनिंग क्वांटिटी बताएं। ओपनिंग क्वांटिटी 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 क्वांटिटी
ओपनिंग क्वांटिटी 6 है और परचेज क्वांटिटी प्लस कर लें, जरा जेन में वैसे ही 5 प्लस 10 प्लस 12 कैलकुलेटर पे कर लें, प्लीज कर लें सर। 5 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो क्या फार्मूला बनाता मैं, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेस अमाउंट डिवाइड बाय 6 प्लस 27, मेरे पास एक रेट आ जाता, उसको मैं बस क्लोजिंग स्टॉक को ढूंढ के मल्टीप्लाई कर देता। पीरियोडिक अगर होता तो कोई टेबल नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर एक रेट का फॉर्मूला लगेगा और जो रेट की बेस पे पर यूनिट आंसर आएगा उसे आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते। लेकिन रादर देन हमारे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है कि हम परपेचुअल से वर्किंग करें। परपेचुअल में क्या होता है, रेट साल में एक ही दफा कैलकुलेट नहीं होता, रेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी परचेज, और अगर रिटर्न्स भी हो तो आफ्टर एवरी परचेज रिटर्न्स। उसके लिए फिर एक टेबल बनाता है, बनाया जाता है। तो मैं क्यों टेबल बनाने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि परपेचुअल मेथड है। तो क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं, प्लीज होना चाहिए सर का माल है, क्यों नहीं सर। ये नो सर का क्या मतलब हुआ सर, क्या आप अपनी जिंदगी में सितंबर का महीना भूल गए, आई कैप भूल गए सर, आई कैप हॉल, क्या जिंदगी में आप नवंबर भी भूल रहे हैं सर। हमारी सर कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है सर, हम सैंडविच हैं सितंबर और नवंबर के दरमियान, जाएं तो कहां जाएं, तेजी से वक्त नवंबर की तरफ जा रहा है फिर मार्च ने आ जाना। तो आए क्वेश्चन में रिक्वायर्ड, हम करेंगे सर, क्या हम करके जाएंगे, इंशाल्लाह सर। कमाल है सर, सर जी कम देखे मुझे, मैं तो मजबूरन पढ़ रहा हूँ, मुझे आप जाने नहीं देंगे, वरना मैं तो निकलना चाहता हूँ, मतलब मैं क्यों लगाऊ। मेरा ख्याल है मेरी तरफ से किसी ने आंसर दिया था कि नहीं हम नहीं करना चाह रहे, यकीनन आप करना चाह रहे हैं। वर्किंग नंबर टू सर, प्लीज सर जी किसी तरीके से मोटिवेट हो जाए, और मैं क्या करूँ यार। और सर जी करना तो है, लेकिन मेरे भाई क्या हमने कर नहीं लिया यार शाहजेब, क्या कैरी जेनवर्ड्स वगैरह सब कुछ कर नहीं लिया शाहजेब, प्लीज को सवाल देख के फिर बात करें ना यार। तो सर जी अगर पूरा नहीं इशू हुआ तो राजा साहब इसलिए तो क्लोजिंग बचा हुआ है। इस तरह के मायूसकुन सवालात की बजाय ना आप टेबल बनाएं, मैं बाकी बात खुद समझाता हूँ यार। ये सर जी टेबल ऐसे नहीं बेटा बन सकेगा, वर्किंग नंबर टू की तरफ हमें आना होगा। प्लीज हम आ गए हैं सर, आगे आगे अल्लाह अल्लाह का नाम लें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कॉलम के नाम शुरू करें, हेडिंग बट एक बना लें यार, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। By using weighted average. जी बेटा ये टेबल फाइफो से भी हो सकता है, ये होता था यार, खुदा का नाम लें यार। सर जी मैं इससे शर्मिंदा ना कर, मैं कल पढ़ के आऊंगा, ना करिए। डेट क्या आप इस टेबल के कॉलम्स के नाम भी बोर्ड से देख के लिखेंगे ये? हाँ जी मैंने लिख लेना है। देन बेटा ये ना जो इस वक्त हम टेबल बना रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बना तो रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल के लिए बना रहे हैं। तो इस परचेज वाले कॉलम में भी प्लीज, आपको पता है वो तीन सब कॉलम्स आने हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, प्लीज इससे ज्यादा मुझे मायूस नहीं करना। परचेज के बाद एक कॉलम का नाम सेल नहीं होना चाहिए, इश्यू ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि रॉ मटेरियल में इस्तेमाल होना है। फिनिश गुड्स कहेंगे सर, अगर आप बना रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में तो वो शायद परचेज की जगह प्रोडक्शन कुछ हो जाएगा, और फिर इश्यू की जगह डेफिनेटली सेल ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा सा कोशिश करें, और फाइनली एक बैलेंस का कॉलम होगा। लेकिन इन तीनों कॉलम्स में फिर एक सब कॉलम्स ऑफ क्वांटिटी, रेट और अमाउंट वाले कॉलम के लिए जो स्पेस रखेंगे वो कंपैरेटिवली जरा ज्यादा रखिएगा।
कोई कंफ्यूजन सर जो वर्किंग कर रहा हूं मैं, याद एटलीस्ट आ गया क्या हो रहा है, कुछ याद आ गया सर जी? स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा अगर ये दो स्टेप्स मेरे साथ देख के पहले कर लें फिर बाकी आप बनाइएगा, जस्ट रिवाइज करा दूंगा मैं। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा होता है कि आपने सबसे पहले ओपनिंग ढूंढना, डेट बताएं कोई ओपनिंग बिजनेस की, जरा देखिए सर ये कभी 31st ईयर एंड है तो क्या डेट हो सकती है सर? तो ईयर नहीं है उसको छोड़ दें, 1st January ठीक है। कितना बैलेंस ऑलरेडी पड़ा था? अब ओपनिंग लिखवाएंगे आप प्लीज, सर जी प्लीज लिखने पे फोकस ना करें कर लिया प्लीज, दो स्टेप्स सर, दो स्टेप्स बेटा। लुक एट योर क्वेश्चन, लुक एट योर सवाल क्वेश्चन, 1st January पे बैलेंस ऑफ क्वांटिटी क्या था? वी आर डिस्कसिंग रॉ मटेरियल ओनली फॉर द टाइम बीइंग, ये रॉ मटेरियल की बहस है। सिक्स यूनिट्स है, अमाउंट दी हुई है 9800, रेट आ जाएगा कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पकड़ें। रेट के लिए हमारा फाइनली हो गया हुआ है कि पॉइंट्स में दो डिजिट से ज्यादा नहीं जाना, तो आई थिंक 1633.33 है बस, और पॉइंट्स में भी जाके इसे राउंड ऑफ करके बात खत्म करनी है। सॉरी और इस तरह करिएगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन इसलिए लगा दीजिएगा, जरा सेग्रीगेशन हो जाए, जरा खुला खुला कर लीजिएगा, लेकिन मुझे एक स्टेप अभी आपने करवाना है, एक स्टेप और। देन बट अब ये जो टेबल आपने बनाना है ये आपने डेट वाइज डाटा खुद से अरेंज करना है, और डेट वाइज डाटा अरेंज करने से मेरी मुराद अब ये होगी कि सीक्वेंस में आपने देखना है कि परचेज है और या इश्यूएंस है या कोई लॉस है, इवन नीचे लॉस भी है यार, सबसे नीचे है क्वेश्चन के एंड में एक लॉस भी था यूनिट्स का, लेकिन वो किस में से लॉस है? फिनिश गुड्स में से, इसलिए वो इस टेबल में नहीं आएगा। अगर रॉ मटेरियल का लॉस होता तो वो टेबल में भी फिर अकॉर्डिंगली माइनस करना था हमने। तो बताएं गौर से पूरा डाटा देख के मेरे नेक्स्ट डेट बताएं। 13th January, अच्छा ये जनवरी जे ए एन और जे यू एन वो जून है, जनवरी 13 January को क्या हुआ? 5 units परचेज हुए। अच्छा हम वर्किंग अप कर चुके हैं, आप जरा ढूंढे अपनी वर्किंग अभी की थी हमने, क्या इसकी अमाउंट पता है हमें? क्या हमें इसकी अमाउंट पता है कितनी? 14250 बेटा, इस अमाउंट में जो कैरेज वगैरह आना था वो आ गया हुआ है, तो पर यूनिट बना दें 2850, बना लें बना लें, 14250 डिवाइड बाय 5 बना दें सर, बना दें, एक मिनट बस यार, आपके यकीन मैंने आपके लिए लिख रहा हूँ, एक मिनट बस, ये बैलेंस वाला कॉलम करवा दीजिएगा, बाकी फिर आप, मैंने बाकी इंशाल्लाह लिखना भी नहीं है। ये एक बेटा परचेज समझ आ गई सबको? अब बैलेंस में क्या करना है? वेटेड एवरेज है तो यूनिट्स हो जाएंगे 11, लेकिन अब इन 11 यूनिट्स का एक रेट निकालना है, फॉर्मूला वही यूज होगा जो वेटेड एवरेज का है, लेकिन अब वो हर परचेज और परचेज रिटर्न पे अप्लाई होगा। कैसे रेट अप्लाई होगा, कैसे रेट बनेगा, कंसंट्रेट करें, व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक बिफोर दिस परचेज 9800, नहीं 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 और से देखें, छोड़ दें यार प्लीज, क्या हो गया, अंधाधुंध लिखे जा रहे हैं। 9800 वाज द स्टॉक बिफोर दिस परचेज, प्लस फर्दर परचेज की अमाउंट कितनी है, वो रेट जो पीरियोडिक में पीरियड एंड पे कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन ऑल रिस्पेक्टिव परचेजेस, वो रेट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हर परचेज और अगर कभी रिटर्न आ रहे हैं तो उस डेट पे रिकॉर्ड बार बार ही यूज होगा, तो प्लीज एक दफा देख के रिवाइज करना है। समझ आ रही है फिगर यहाँ तक? क्वांटिटी बता दें ओपनिंग कितनी है 6 और फर्दर कितनी है 5। अब लिखें, अब ये वर्किंग्स भी आप नोट कीजिएगा प्लीज, ये मैंने जरा टेबल के साथ कर दी है, आपके पास स्पेस नहीं होगी, आप टेबल के लिए हाफ से ज्यादा पेज रख लें, जगह में चाहिए होगी, उसके नीचे ये कम से कम एक आध वर्किंग जरूर नोट कीजिएगा, वर्किंग 2.1 समथिंग बन जाएगी। साफ वर्किंग
जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं सारे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं कहीं चल रही? जी बेटा जरा रेट अगर बता दे कोई। 218 186 फाइनल कर दें यार, नहीं दो डेढ़ तक जाना तो चले जाए। 36 2186 पॉइंट और अप्रोक्स टोटल अमाउंट बता दें। 240 50 सब लोगों को क्लियर हो गया प्लीज यार। नोटेड है प्लीज। दानियल कैंडी जर जरा ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बार बार इधर उधर जाना, तो जो फिगर्स फिर मैं फिर फिलहाल लिख लिया करें इंशाल्लाह दो तीन दिन में कोशिश करते हैं बुक का मसला भी मैं रिजॉल्व कर दूं, बस इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगी फाइनल। जी मैं डियर नेक्स्ट मिनट एक स्टेप पर लास्ट वॉक करवा दें आज 19th January। को क्या हुआ? वो परचेज हुई है और सेम डेट पे दो काम हुए हैं। वाकई जो है वो जे यू है तो वो मैं मतलब वो मैं जो आपने कहना था वो मैंने कह दिया, तो वो 19 January में इशुअंस आ रही है और 19 June की जो परचेज है वो बेटा बाद में रिकॉर्ड होगी। ये टेबल बनाते हुए अपने डेट्स का सीक्वेंस मेंटेन करना है सर, तो पहले मैं 19 January की इशुअंस लिखूं या परचेज लिखूं? इश्यूएंस कैसे लिखूं सर, क्वांटिटी बताएं। 8 यार उसका तो रेट ही नहीं दिया हुआ। कौन सा भाई, कौन सा वाला? परचेज वाला रेट नहीं, बिल्कुल सही है, बैलेंस वाला रेट, बिल्कुल ठीक है जी, शुक्रिया ज्यादा है। 21 86.36 और बाकी बच गए 11 - 8 3 रिमेनिंग रह जाएंगे इस डेट पे और उनका रेट वही होगा, तो आंसर अमाउंट ऑफ इश्यूएंस का आ जाएगा 17490। नहीं बेटा अमाउंट रुपीज में रेट बस डिजिट पॉइंट्स में, फाइनल कर ले यार ऐसे टाइम वेस्टिंग है। अमाउंट्स को प्लीज पॉइंट्स में ना लेके जाएं यार, राउंड ऑफ अप टू द नियरेस्ट रुपी। रेट भी वैसे राउंड ऑफ हो सकता है लेकिन रेट के लिए दो डिजिट तक चले जाए और प्लीज अमाउंट राउंड ऑफ कर दे रुपीज में। ओके 4490 नहीं वो बता दे मुझे अगर 191 बनता है लेकिन राउंड ऑफ कर लें। 91 सर, बाकी तीन का ओके सर, जो रिमेनिंग तीन रह गए उनकी अमाउंट भजन 3336559। ओके सर, एनी कंफ्यूजन अप टू 19 January? 100% क्लियर वाली बात है सर। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं कल खुद आपको कंप्लीट करवाऊंगा, इसमें इश्यूज हैं वो मैं और डिस्कस कर लूंगा। आप लोग आज वो जिम्मे रखेंगे यार, ये जो क्वेश्चन नंबर है बल्कि वो लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन था फ्रैक्चर्स वाला किसी ने किया वैसे? नहीं मैंने तो मना किया था इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, किसी ने कर तो नहीं लिया सर? आज तो मना नहीं कर रहा सर। अच्छा बेटा इस तरह की उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिन्होंने कर लिया हुआ आप लोग फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लें यार, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 भी की तरफ पहले ना आइएगा, पहले ट्यूजडे मैन्युफैक्चरर्स वाला कीजिएगा जिनका रहता है, और जिन्होंने कर लिया है वो जरा कहीं गधा का बोर ही ना हो, क्वेश्चन नंबर 6 से एक होमवर्क रख ही लें। क्वेश्चन नंबर 6 बता दें इसका नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी और लास्ट पेज वाला क्वेश्चन भी होमवर्क रख लें यार। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बाहर की बेटा लाइबिलिटी डेबिट होगी ना।
तो डेबिट 1800 से, हाँ लेकिन कैश उसका जाएगा 1700 और 100 फिर उसकी डिस्काउंट रिसीव होगी। वर्किंग प्रोसेस का, वर्किंग प्रोसेस अगर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है।
Thank you.